और छोरो के हाल तो आप सभी का स्वागत है सब्सक्राइबर संडे के एक और खतरनाक एपिसोड में। तो गाइस आज के एपिसोड में अपन लोग दोबारा खेलने वाले हैं शैडो फाइट 2। अब जैसा तुम सभी को याद होगा लास्ट एपिसोड में मैंने तुम सभी से कहा था कि अगर अपना वो वाला एपिसोड 7 दिनों के अंदर 3000 लाइक कंप्लीट कर देगा ना तो अपन शैडो फाइट 2 की सीरीज अपने चैनल पर स्टार्ट कर देंगे। बट उस एपिसोड ने 7 दिनों के अंदर 3000 लाइक कंप्लीट नहीं किए जिस वजह से अपन ये सीरीज तो स्टार्ट नहीं करेंगे। बट तुम लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे ना कि भाई देख तेरे को सीरीज स्टार्ट नहीं करनी तो मत कर, बट प्लीज एक वीडियो और बना दे जिसमें तू इस गेम के हैक मोड में खेलना। वेल मैंने कहा ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ, तो इसीलिए आज अपन फाइनल और हो सकता है आखिरी बार इस गेम को ट्राई कर रहे हैं। आखिरी बार इसलिए अगर आज के एपिसोड में, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आज के एपिसोड में मैं तुम्हें ओज छूट दे देता हूँ क्योंकि आज सुबह वाले एपिसोड में भी दी थी, राइट। तो अगर इस वाली वीडियो ने अगर 7 दिनों के अंदर 2400 लाइक कंप्लीट कर दिए ना तो अपन इस गेम की सीरीज अपने चैनल पर स्टार्ट कर देंगे। अब वेल तुम चाहो तो देखो खुद से लाइक कर सकते हो या फिर वीडियो को दबाकर शेयर करो भाई, क्योंकि जितने व्यूज उतनी लाइक है ना, इजीएस्ट टास्क है। मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा टाइम लगना चाहिए या फिर तुम्हें परेशानी आनी चाहिए, बट फिलहाल के लिए आप सभी का कीमती वक्त ज़्यादा बर्बाद न करते हुए चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। वेल वैसे तो देखो गेम में काफ़ी सारे हैक अवेलेबल थे, ठीक है, जैसे कि अनलिमिटेड एक्सपी या फिर अनलिमिटेड पावर या फिर मैक्स वेपन मैक्स आर्मर वगैरह वगैरह बहुत सारे, बट मैंने वो सब चूज नहीं किया। मैंने जस्ट सिंपली अनलिमिटेड मनी और जेम्स वाला हैक यूज़ किया, क्योंकि देखो अनलिमिटेड पावर वाला हैक यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, अगर तुम सारे बंदों को ऐसे ही मार दोगे तो काहे का मजा, ठीक है। इसीलिए मैंने जस्ट सिंपली यहाँ पैसों वाला हैक ट्राई किया क्योंकि हाँ मुझे टाइम नहीं मिलता खेलने के लिए, इस वजह से अपन इसमें मतलब टाइम नहीं लगा सकते और पैसा कमाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो या मेरे हिसाब से ये ऐसी कोई बड़ी चीटिंग नहीं है, ठीक है, अपन पैसा तो गेम खेल खेल के भी कमा सकते हैं, बट मेरे पास टाइम की अभाव था इस वजह से मैंने ये ट्राई किया, ठीक है। तो खैर वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, है ना, अपन हैक मोड में खेल रहे हैं वही मेन बात है ना। और उसके अलावा ऑफलाइन मैंने एक मैच और खेला और लिंक्स का जो तीसरा बॉडीगार्ड था ना मैंने उसको भी दिया है, तो उसको पेलने के पश्चात मेरा एक न्यू फीचर अनलॉक हो गया, ये देख सकते हो तुम, है ना। इसके अंदर इसका नाम है अंडरवर्ल्ड, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें मेरे हिसाब से अलग अलग लोंडो से फाइट करनी होती है। कीस है बिना पता नहीं क्या कह रहा है, हाँ ये वाली मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, मैंने कहा यार वीडियो बनाएंगे तभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सही द इमोर्टल्स आर पावरफुल ओपोनेंट However, be aware, once defeated, their spirit won't disappear, but resurrect. Thus, they become stronger. अच्छा? Okay, ठीक है. You need allies to fight them. Once again, bring loyal people together and force a clan or join one. अच्छा? This is the only way together you can face them and glory. Okay, name us great warrior. ठीक है? पल्ले पड़ी मेरे. Ooh, power mode. ओके मेरे हिसाब से कुछ न्यू एक्टिवेट हुआ है। इफ यू हैव लेस देन 5 keys एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन की स्ट्रोक इज रिफिल टू 5। अच्छा ये कुछ ऑनलाइन मोड मेरे हिसाब से कुछ इस तरह का है, तुम जहां ऑनलाइन प्लेस पर आकर फाइट वाइट कर सकते हो कुछ लाइक दैट मेरे हिसाब से, खैर जो भी हो छट दो, लेट्स रेड, मैंने कह रहा फाइट बट रेड वॉल्केनो। Of all the eternal, I was the first to awaken. Many fighters will come to die by my hand. I shall complete my mission. Let's see, तू कितना strong है लोंडे है ना? Oh, free का माल वैसे मेरे पास बहुत पड़ा है तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है actually है ना? हाँ. Oh, ये क्या preparation of equipment? Okay. मैं सबत्ता ले सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है. I don't have lack of money. कतई भी ठीक है तो. ओके ये है वोल्केनो, इससे फाइट करनी है मेरे हिसाब से ये। ओए क्या चल रहा है ये, ओए वेल एक्चुअली वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओ भाई लड़, अबे मरना पड़ेगा बरादर तुझे। अबे मैन गार्डेडू नहीं स्वर, अबे अबे अरे अरे वाओ भाई साहब अभी तक तो ठीक ठाक चल, क्या चल रहा है ये, अबे यार ऐसे टेलीपोर्ट होएगा तो कैसे पार पड़ेगी यहाँ, प्लीज यार मार लें दे भाई, पड़ी उसमें मेरे में भी पड़ी, अबे है ना मैं ठीक है समझ गया, नहीं आ रहा तू, ठीक है आई अंडरस्टूड ओके
ट्राई यूजिंग अनदर वेपन, दिस मे इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। है ही नहीं, हमारे पास दूसरा वेपन है ही नहीं भाई साहब। यहाँ पे दुनिया भर के फाइटर अवेलेबल है यार, हैं? बट देखो मेन बात यो है ना कि अभी तक अपने लिंक्स को तो हराया नहीं, उसको क्या खा कराएंगे। तो एक काम और कर लेते हैं अपन, पहले तो ना थोड़े से टूर्नामेंट वगैरह खेल खाल के ना अपना क्या बोलते हैं उसे लेवल अप कर लेते हैं, ठीक है? हाई लेवल मैं लेवल 4 के गियर के संग जाऊंगा, क्योंकि लिंक्स को तुम जैसा देख सकते हो कतई इम्पॉसिबल लिखा हुआ है। जो उसका अगला गार्ड आएगा ना वो ऐसे नहीं मरेगा, वो मेरी हड्डियाँ तोड़ देगा। तो उससे चाहे अपन थोड़ा टूर्नामेंट खेल के अपनी एक्सपी इम्प्रूव कर ले और उसके बाद हाँ उसका मुंह तोड़ के आए। फील तो आ रहा है कि देखो अपन आज लिंक्स को हरा देंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। और ये अपने अगेंस्ट में आ गई भूखे नंगे खानदान की छोरी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बोलते को भाई तलवारें चाट रही है, मतलब इतनी गरीबी बहन तेरे घर में खाना भी नहीं है क्या, जो मतलब खैर मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो रहने दो। अरे अबे अबे ये आओ ठीक है, अबे बहुत नहीं मार रही तू है, घरवाले ने बताया नहीं कि औकात से भाप पंगे नहीं लेना चाहिए, बताओ यार निकल। नहीं अबे मार रही है, बुराई मार रही है, चल मर लेना यार, ये ले आओ। आई शुड कंट्रोल इट, एक मिनट रुको, उड़की लात दूंगा साली में। भाई साहब क्या सही टाइम पे निकले हो, चल निकल। अब मैं समझ रहा हूँ ठीक है, या वेट करो अब मारो भैया। मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर, इस बार मैं समझ चुका हूँ, इस बार कतई परफेक्ट देने के मूड में हूँ मैं ना। आह बदतमीज लड़की, तेरे को शर्म नहीं आ रही? कोई छोरा परफेक्ट फाइट के मूड में था और तूने बर्बाद कर दिया उसका करियर। देख अगर भाई कितना सही बची है यार, स्लो मोड भी अच्छे लगते हैं। देखो अगर उसमें वो उसका एक हिट मेरे में नहीं पड़ता ना भाई, परफेक्ट हिट था ये, क्योंकि उसकी एक लात पड़ी है मेरे में और नथिंग है ना। वेल मुझे फीलिंग आ रही है कि इस नर पक्षी से फाइट करने के पश्चात मैं लेवल 4 का हो जाऊंगा। और बरादर मैं प्रैक्टिस के संग आया हूँ, तेरी बहन ने तो मुझे लेवल परफेक्ट शॉट नहीं देने दिया, बट अब तो मैं दूंगा ठीक है। ओके नाइस, एस्केप हो गए, ये ले बच गया। आओ 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 अनूस कहीं की, अबे तुम्हारे ऐसे की तैसी यार, भाई बहन ने कहते ये ना भाई क्या मारा है इसने। तो अब तो लेवल 4 का हो गया ना मैं, पता नहीं क्या चाह रही। ओके ठीक है, ऑलराइट। तो अब अपन लेवल 4 के हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं आर्मरी में जाकर वेपन वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास पैसा भी है। और स्वॉर्ड एक्टिवेट हो गई मेरी, ओ लेवल 3 पर, ओ लेवल 2 लेवल 3 ओके लेवल 4, और इस पर इंचांटमेंट भी है, अ चांस टू मेक अ क्रिटिकल हिट विथ इंक्रीज डैमेज। ओके ठीक है, हाँ आई लूँगा इसे, आई डेफिनेटली लूँगा इसे ठीक है। हाँ और तुम लोग मुझसे कह भी रहे थे कि भाई तूने की फ्रेंड जी, हाँ अ चांस टू इंक्रीज यूर मी लीव डैमेज बाय 150। ये वाला सही है यार, एक्चुअली आई कैन बाय इट यार, नाइस। अरे ले लो बहुत जेम पड़ा है मेरे पास, आई एम रहीश कतई, नाइस। डिफीट लिंक्स टू अनलॉक रेंज वेपन, ओके ठीक है। मैं अब तो शायद लिंक्स को हरा ही सकता हूँ है ना, इम्पॉसिबल अभी भी। अबे कौन सी चक्की का माल फूंक रखा ससुर तेने, आई बीट लिंक्स ईजिली द फर्स्ट टाइम आई फॉट हिम, हाउ एवर वेन आई रिमूव हिज मास्क आई सॉ ओनली अ डमी, अच्छा देन आई फेल्ट हिज क्लॉज डिगिंग इन टू द ब्लैक ऑफ माई नेक बैक, ओके आई हैव सर्व्ड हिम एवर सिंस। अच्छा ये उसका नौकर है, इसने उससे फाइट की थी, इसको ऐसा प्रतीत हुआ कि इसने उसको हरा दिया, बट असल में ऐसा नहीं हुआ था। हाँ घोस्ट मतलब इसने उसके सिर्फ डमी को हराया था, ना कि रियल को, ठीक है बरादर मैं समझ रहा हूँ है ना, तू तो आले फाइट कर, दोनों ही सेम सोडा ठीक है, डर रहा हूँ मैं। आओ अबे क्या चाहिए, अरे भाई साहब तभी इम्पो बच गया ठीक है, ये सही है, आण दो फाड़ के रख दूँगा सारे को। भाई क्या मारा है मैंने उसको भाई, आई आ
एक्चुअली से फाइट करने से पहले मैं अपने आप को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर भी लिख रहा था इम्पॉसिबल है ना, और अंदर जाके औकात साफ से दो गई मेरी, है ना। ठीक है, थोड़ी देर और टूर्नामेंट खेल लेते हैं, अपना लेवल मेरे हिसाब से लेवल 5 कर लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं अपन। आई गेस लेवल 5 पे तो मैं इसको डिफीट कर ही दूंगा। वेल वेट, ओ इससे तो फाइट करना बनता है। हाँ मुझे ऐसे मत देखो, है ना, कहीं तुम सोच रहे हो कहाँ का आपसी दरिंदा हूँ मैं। नहीं 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 ऐसी नहीं, ऐसी गंदी बात। ठीक है आओ पड़ी, ठीक है आ जा, आई एम कतई रेडी। आउच, अबे मार ले भाई साहब, मारता अच्छा है एक्चुअली। अबे पिटोकड़े पीट ले उसको, पीट ले भाई साहब, खपरे उर तुम्हारी भैया। 2 शॉट किल ओपी। और एक्चुअली अगर इसकी इंचांटमेंट वगैरह एक्टिव हो जाए उसके बाद तो तबाही मचाएगा। अरे यार क्या हो रहा है, अबे मार ले ना यार, तगड़ी है भाई छोरी। तगड़ी है भाई साहब, 1 हिट गजब। देख ब्रदर ऐसी बात है ना, ना तो तू स्ट्रोंग है, ना तेरी किसी को जरूरत है, और ना ही तू मुझे हरा सकता है, तो तेरे मरना ही उचित है ना, क्योंकि तेरे मरने के पश्चात ही मैं लेवल 5 का हो पाऊंगा। तो तेरी मौत मेरे लिए बहुत कीमती है ब्रदर, तेरी मौत तो बहुत कीमती है मेरे लिए। अबे मर जाना, बताओ साले ने कौन सी चक्की का माल खाया है। अबे मरता क्यों नहीं, ठीक है फाइनली ही इज डेड। ओके तो अब ओपन हो चुके हैं लेवल 5 के, और अब मेरे हिसाब से मेरे पास न्यू वेपन, न्यू आर्मरी और ट्रिगर। फाइट करूं क्या अपने को, इससे फाइट करनी चाहिए, छोड़ो मेरे पास फालतू टाइम ना है ना। हाँ, सोचूंगा कभी और मूड हुआ तो तेरे से फाइट वाइट करने की आराम से सोचूंगा। अभी के लिए तो मैं अपने लिए न्यू वेपन, तलवार ज़्यादा अच्छी थी यार, बट आप ले लो और अपग्रेड भी कर लो साथ के साथ ही, ताकि पावर की कमी नहीं होनी चाहिए कतई भी। ठीक है, और ये है अ चांस टू अब्जॉर्ब ऑल डैमेज डील टू, ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टू योर बॉडी बाय अ सिंगल स्ट्राइक, दिस चांस डिपेंड ऑन द पावर ऑफ इंचांटमेंट। देखो एक तो हाई लेवल पे, इसलिए मैं इसको ले लूंगा, ठीक है, और अब इसको मैं अपग्रेड भी कर देता हूँ ताकि मैं परफॉर्मेंस बेटर दे सकूँ। 98 इम्प्रेसिव। और ये है फायर 20, भाड़ में जान दो, मैंने ले मैंने कुछ नहीं करना, यू शुड गिव मी बस। ठीक है नाइस, इसके बाद का अभी अनलॉक नहीं हुआ है, और वेपन मैंने ले लिया ऑलरेडी, है ना। तो देखो अपनी जो स्वॉर्ड है ना उसका डैमेज है 98, और जो ये है ना ये मसाटे वगैरह इसका भी 98। छोड़ो मैं मसाटे ही ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ मतलब स्वॉर्ड थोड़ी अनकंफर्टेबल है फाइट करने में। तो लिंक्स, जहाँ ये बंदा इम्पॉसिबल था ना, अब ये बंदा इजी कैटेगरी में आ गया। हाँ भाई घोस्ट, अरे तूने बहुत ज़्यादा मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर ली हैं, क्या तूने लिंक्स को एक बार हराया है, वो डमी था तब से तू उसके तलवे चाट रहा है। आ जा मेरे पास, आ अभी तक तू लिंक्स के तलवे चाट रहा था, अब तू भी, अभी मेरे पास अभी भी मेरी तलवार है क्या। खैर कोई दिक्कत ना है। ओए भाई साहब कतई फाड़ दिया छोरा, नाइस ओपी, ये ले भाग यहाँ से। ओ 1 8 ओनली, ठीक है मर ले भाई, थैंक यू। देख लो कहाँ, तो एक टाइम था जब अपन इसको मार भी नहीं पा रहे थे, और अब तो इसकी औकात ही नहीं है मेरे सामने कछु। अबे मर ले ना भाई, भाई साहब ये तलवार इसलिए पसंद नहीं है ना यार मुझे, ये क्या लॉन्ग रेंज वेपन है, क्लोज रेंज फाइट में नहीं है ओपी, और तुम्हारा भाई ओनली क्लोज रेंज में मस्त है, तो गजब बेइज्जती हो रही है यहाँ तो। क्या ठीक है, मैंने एक मूव और सीखा है अपनी ऑफलाइन फाइट्स में, जो मैंने अभी अभी इतने सारे बॉस पे ले ना उनसे, तो ब्रदर तुझे बहुत दिक्कत होने। अच्छा हाँ हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अबे ठीक है तो कह दी ना मान जा, पता नहीं यार कहा वही समझ लिया छोरा ने मेरे को, हैं ये मर गए यार एक आधी बार, ठीक है, बट तूने तो कभी बाबरा ही समझ रखा है। हाँ माई डिफीट ओनली सर्व टू स्ट्रेंथ, लिंक्स विथ ईच बैटल ही लर्न मोर। हाँ बात तो सही है एक्चुअली। वेट एक मिनट, मेरी आर्मर भी मेरे हिसाब से मेरा वेपन अब इम्प्रूव हो गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक
है, जो भी हो भाड़ में जा तू। नहीं, बहुत अच्छी। यहाँ पे कुछ न्यू आया है क्या, कोई स्किल वगैरह? अहू, ये क्या है? लर्न, ठीक है। अचांस, ओके ठीक है, जो भी हो भाड़ में जान दो। अप और डबल किक, ठीक है। अरे छोड़ो, लाइनसेन तो इंसेंस है। डैंडी, आ जा, तेरा डांडिया करता हूँ। और ग्रेट, मैं दोबारा से मसाटे लेना भूल गया और ये लेके आ गया। अब मैं नहीं ओंदा यार, ये कंट्रोल मेरे पे गलती। ओके ठीक है, आ जा। या हाँ, नीचे से मारना ही चाहिए है भाई साहब। सही मारा, ठीक है, नाइस। हाँ मतलब वो सामने वाले का क्या है, ऊपर ही तरफ वो होता है, नीचे डिफेंस में नहीं रहता वो तो। हाँ, ओहो, आई वॉन्ट दिस वेपन राइट नाउ। नहीं यार, क्रिटिकल में ये इंसेन है लोंडा यार। इसको मारना डिफिकल्ट नहीं है, एक्चुअली है ना, डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब हाँ, मर लेगा, कोई दिक्कत ना है, मर जाना यार। वैसे मेरा वो दूसरा आर्मर ज़्यादा ओवर पावर था, ठीक है, उस पर इंचांटमेंट अच्छी थी। अरे मर लेना, देखो तलवार में इंचांटमेंट वगैरह होगी, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, बट आई वॉन्ट टू ट्राई दिस वेपन। ओके, ओ भाई साहब, ये सही है यार, इसीलिए देखो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे क्लोज रेंज वेपन ज़्यादा पसंद है एक्सेप्ट लॉन्ग रेंज। भाई मैं क्लोज रेंज में ओवर पावर खेलता हूँ कतई, गजब कतई। अबे, खुद की बद्दुआ लग गई। कैसा इंसान हूँ मैं यार, बताओ, खुद की काली नजर लग गई मेरे को। आखिर मेरा आर्मर ओपी है एक्चुअली, है ना, मुझे डैमेज लेने नहीं दे रहा वो। देख बरोदर, तेने अभी तो मेरे को हरा दिया था क्योंकि मैं थोड़ा कमजोर था, बट अब मैं थोड़ा पावरफुल होके आया हूँ, तो अबे यू कांट डिफीट मी, सुनी ना क्या मेरी बात, चल यहाँ से सुअर साला। भैया एक्चुअली दिस सोर्ड है ना ओवर पावर, ठीक है। हाँ मेरे को मसाटे ज़्यादा पसंद आई, सोर्ड मेरे को उतनी इफेक्टिव नहीं लगी। तो या भाई, उसको ऐसा मारा कि इसका हथियार ही गिरवा दिया आतन में से। आओ, आई एम टू मच दरिंदा। अब ये तो कहने में लग जाना भाई, तेरे अंदर प्राइड नहीं है, तू निहत्ते बंदे को पेल रहा है। हाँ मेरे अंदर प्राइड नहीं है बिल्कुल भी। अबे भाड़ में गया प्राइड वगैरह, बेनिफिट लो, ठीक है, उस पर वेपन नहीं है, उसका फुल फायदा उठाओ। प्राइड ब्राइड के चक्कर में पड़ गए ना, तो हारते डोलेंगे उजू। हाँ मतलब फायदा देखो, ठीक है, प्राइड गया तेल लेने। ऑल राइट, टाइम जो है लिंक्स के संग फाइनल बैटल करने का। यू थिंक डिफीट माई गार्ड, प्रूव योर स्ट्रेंथ। हाँ एक्चुअली देखो, ये जितने भी फाइट करने आते हैं ना, स्टार्टिंग में तो ये यही कहते हैं कि क्या तू मुझे इनको हरा कर, तुझे ये लगा कि तू मुझे हरा देगा, यू कांट डिफीट मी, ये वो फलाना टिमकना। और जब इनको हरा देता हूँ तो रोने लगते हैं बच्चों की, नहीं कि तूने हम हरा दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, यू बेईमान चीटर वगैरह वगैरह लगे रहते हैं। क्या हो रहा भाई, हेलो, ओ हेलो, उसको डैमेज ही नहीं, डैमेज दे रहे यार भाई, क्या मजाक कर रहे हो भाई, लिटरली उसको एक एक इंच का डैमेज नहीं मिल रहा। ऐसे तो मुझे भी नहीं मिल रहा, बट उसको क्यों नहीं मिल रहा? तो अब मैं ये सोच रहा हूँ क्या किया जाए, क्या मैं अपने आर्मर वगैरह को अब अपग्रेड कर सकता हूँ? नहीं, आई कांट, और इनको मैं बिना लेवल अप के ले भी नहीं सकता। बहुत ही अच्छी, तो इसका मतलब सिंपल सा है, अपने को लेवल अप करना पड़ेगा। तो चलो टूर्नामेंट में दोबारा, आई गेस 6 लेवल पे जाकर मैं इससे शायद फाइट तो कर ही पाऊंगा मेरे हिसाब से। तो शायद अब अपन लेवल 6 के हो गए होंगे, और अब मेरे हिसाब से मैं लेवल 6 पे हो जाऊंगा, तो शायद मैं वो वेपन ले सकता हूँ। कौन सा वेपन? वही वाला, ये वाला वेपन। मतलब इसका डैमेज वैमेज तो मुझे ठीक ठाक सा लग रहा है, इसको अपग्रेड वगैरह कर लेते हैं। और मेरे हिसाब से अब लिंक्स मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मेरा लेवल कुछ और ही है, अपने पास मैक्स आर्मर हो चुका है, ठीक है। ऑल राइट, तो अब अपने पास है मैक्स आर्मर, मैक्स वेपन, और अब मैं कतई रेडी हूं लिंक्स के संग फाइट करने के लिए। तो क्या मेरे हिसाब से शायद अब अपन लिंक्स को इजीली हरा सकते हैं। अगर इजीली नहीं हरा पाएंगे तो कम से कम उससे बैटल तो कर ही लेंगे, इतने स्ट्रांग तो अपन हो ही गए होंगे। आई गेस नहीं, क्योंकि अपन अभी लेवल 6 के हैं सिर्फ। लेट्स सी, है ना, देखते हैं क्या होता है। और पता है मुझे क्या लग रहा है कि ना, हर लेवल के साथ है ना अपना क्या बोलते हैं उसे, इम्प्रूव होती है वो
क्या बोलते हैं उसे, ओह ग्रेट, ओके ओके, और 5 सेकंड उसकी डिक्रीज होगी। भाई ये व्यापार है, कलेस है। हेलो लिंक्स भी रो रहा है मेरे सामने कि भाई कहाँ चिपट गया मैं, ये छोरा का। ओ भाई साहब, अबे ये व्यापार है क्या, कलेस है, है? ये तो कतई जहर है यार, लिटरली लिंक्स, मतलब भाई लिंक्स, लिंक्स अब मेरे सामने कछु भी ना है, ठीक है। लिंक्स के दिन हो गए पूरे। ओ भाई अबे क्या पटक पटक के मार रहा हूँ लिंक्स को मैं यार, है हाँ इनविजिबल, हाँ भाई भाई भाई, ओ हेलो अंकल, इनविजिबल वगैरह, अबे इनविजिबल नहीं साली, अरे अरे ले ले ले, अरे ये क्या बात हुई, इनविजिबल हो गया साला, ये तो मार दिया रे, ये तो बेईमानी हो रही है हमारे नाल फुल। अबे पकड़ ले उसको, क्या कर रहा हूँ मैं, अबे क्या चाह रहा है, हेलो मार दे साली, मर, ये सही है, मतलब हारने पे आ गया तो फुल बेईमानी चल रही है यहाँ पे, ओके हाँ बहुत बेईमानी कर ली तेने, जरूर से ज़्यादा बेईमानी कर ली, ठीक है। नाउ यू हैव टू डाई माई ब्रदर, अबे क्या कर रहा है यार, ये क्या बात हुई, फिर इनविजिबल हो गया, ऐसे तो नहीं होती यार फाइट कोई, है ना, हाँ ये तो, ओ भाई अंधा अंधी लात, ठीक है पटक दिया लिंक्स, खत्म कर दे, अबे वो फिर से फिर से गायब हो जाएगा, प्लीज उसको मार, ओ ग्रेट, ये बेईमानी नहीं होती है, हैं लिंक्स तो भैया बेईमानी पे उतर आया, मतलब हारने को गया तो छोरा बेईमानी कर रहा है बंदा स्कूल, ओके हाँ तो तू अब कितना ही गायब बोले, तू तेरी एचपी तो गिरती रहेगी, और ये लिंक्स पटका मैंने, मारो निकलने मत, तो साड़े को दबा दो, घुसेड़ दो, आओ बच गया, कहाँ है भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, हेलो अंधा है भाई साहब, लिंक्स इनविजिबल है बट फिर भी उसको पेल रहा हूँ मैं गुंडो की तरह, आओ ग्रेट, उसमें 180 और चाहिए और वो ख़त्म, वाओ ये लो लिंक्स का राम राम सत्य हो गया इजिली। देखो मैंने लास्ट एपिसोड में तुमसे कहा था कि अगले एपिसोड में अपन मैक्स पावरफुल वेपन यूज करेंगे, नो इट कैंट बी, ऑल द ग्लोरी ऑफ द ओडन विद इन योर ग्रैप, बट यू ओनली सीक द सील। देखो मैंने कहा था ना, जैसे इसको हरा देंगे बेईमानी पे उतर जाएगा कमीना, टेक सील, ओके ओ द फर्स्ट सील, वेल डन शैडो, ओनली 5 सील लेफ्ट, कम बी मस्ट हरी, ओके आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ एक्सटेमेंट, भाड़ में जा जो भी हो। जैसे एक्ट 2 सीक्रेट पाथ, तो देखो मेन बात यह है कि जो अपना आज का काम था ना लिंक्स को डिफीट करना, वो अपन ने बखूबी कर दिया है, अपन लेवल 6 है, अपने पास बेहतरीन वेपन है, गॉड वेपन है और गॉड आर्मर, जिसने लिंक्स को 2 सेकंड में उसकी नानी फूफा ताई सब याद दिलवा दिए। मानी मेन बात यह है ना कि अपन ओवर पावर हैं, और फाइट कर करके लेवल अप होंगे और अपने पावरफुल वेपन्स को और भी पावरफुल बना लेंगे। यानी अगर तुम लोग चाहते हो इसका अगला एपिसोड आए तो भैया वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर करना, क्योंकि जो अगला एपिसोड होगा ना वो तो बहुत ही खतरनाक होगा। क्यों देख सकते हो तुम लोग, है ना, कछु ज़्यादा ही ओवर पावर खेल गया आज तो अपन। बट आज के एपिसोड में मेरे हिसाब से बस इतना ही, उम्मीद है आप सभी को आज के एपिसोड में मजा आया होगा, आया हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें शेयर, और मिलते हैं जल्दी को न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट।